आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर नाइट्रोजन का 330 केल्विन और 800 एटमॉस्फेयर पे है 1.90 और 570 सेवेंटी कैलविन और 200 हंड्रेड एटमोसफेयर पे है वन पॉइंट वन जीरो एक सर्टन मास नाइट्रोजन का जो कि ऑक्यूपाई कर रहा है वॉल्यूम वन डेसीमीटर क्यूब थ्री थर्टी कैल्विन पे और एट हंड्रेड एटमोसफेयर प्रेशर पे हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई सेम क्वान्टिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस फाइव सेवेंटी कैलविन और टू हंड्रेड एटमोसफेयर पे ठीक है तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो गिव इन इन्फॉर्मेशन है उसे हम नोट डाउन करेंगे ओके okay? तो गिव इन क्या क्या है हमें वो देखते हैं सबसे पहले हमें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर दिया हुआ है नाइट्रोजन का तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता क्या है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को अपन z से डिनोट करते हैं और ये हमें क्या बताता है ये हमें डिस्क्राइब करता है डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर ठीक है ये एक करेक्शन फैक्टर होता है z क्या है एक करेक्शन फैक्टर करेक्शन फैक्टर जो कि क्या डिस्क्राइब करता है जो कि डिस्क्राइब करता है डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर ठीक है जिससे हम क्या बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है अब गिवन इन इंफॉर्मेशन जो है हम उसे नोट डाउन करते हैं तो गिवन क्या क्या है कि नाइट्रोजन गैस है हमारे पास 800 एटमॉस्फेयर प्रेशर है थ्री थर्टी कैलविन टेम्परेचर है ठीक है इस पे जो वॉल्यूम है वो हमें वन डेसीमीटर क्यूब दी हुई है तो इस वॉल्यूम पे जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो है वन पॉइंट नाइन ज़ीरो जब हमारे पास टेम्परेचर है यहाँ पे फाइव सेवेंटी प्रेशर है हमारे पास यहाँ पे टू हंड्रेड एटमोसफेयर ठीक है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है हमारे पास यहाँ पे वन पॉइंट वन जीरो तो हमें वॉल्यूम यहाँ पे कैलकुलेट करनी है और गिवन कंडीशन क्या है गिवन कंडीशन है कि सेम क्वांटिटी है मतलब एन की वैल्यू या मोल्स की वैल्यू सेम रहेगी ठीक है तो यहाँ पे सबसे पहले जो फॉर्मूला होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का वो होता है Z इज इक्वल टू पी वी अपॉन एन ठीक है और Z क्या है हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये करेक्शन फैक्टर है जो कि डिवीशन एक्सप्लेन करता है तो हम क्या करेंगे हम दोनों कंडीशंस पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का जो एक्सप्रेशन है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिख लेंगे तो सबसे पहले बात कर रही हूँ मैं इन कंडीशंस की तो Z जो कि है 1.90 ये किसके बराबर होगा प्रेशर 800 हंड्रेड इंटू वॉल्यूम वन अपॉन एन ठीक है इंटू आर इंटू टेम्परेचर क्या है 330 ओके तो यहाँ से अगर मैं लिखूं एन की वैल्यू तो एन क्या हो जाएगा एट हंड्रेड इंटू वन अपॉन वन पॉइंट नाइन जीरो इंटू आर इंटू थ्री थर्टी ठीक है तो ये हो गई मेरी इक्वेशन फर्स्ट अब मैं सेकेंड कंडीशन की बात करती हूँ सेकेंड कंडीशन में वन पॉइंट वन जीरो किसके बराबर होगा यहाँ पे पी कितना है टू हंड्रेड ठीक है वॉल्यूम हमें पता नहीं है देन अपॉन एन इंटू आर इंटू फाइव सेवेंटी तो यहाँ से n कितना आ जाएगा ये हो जाएगा टू हंड्रेड इन टू वी अपॉन वन पॉइंट वन जीरो इंटू आर इंटू फाइव सेवेंटी ठीक है ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट अब हमें गिवन क्या है कि सेम क्वांटिटी है मतलब एन की वैल्यू सेम तो ये एन अगर सेम है तो ये दोनों भी सेम हो जाएंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एट हंड्रेड इंटू वन अपॉन वन पॉइंट नाइन जीरो इंटू आर इंटू थ्री थर्टी इज इक्वल टू टू हंड्रेड इंटू वी अपॉन वन पॉइंट वन जीरो इंटू आर इंटू फाइव सेवेंटी तो यहाँ से आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा ठीक है V की अगर मैं बात करूँ तो V हो जाएगा 800 हंड्रेड इंटू वन इंटू वन पॉइंट वन जीरो इंटू फाइव सेवेंटी डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा यहाँ से वन पॉइंट नाइन जीरो इंटू थ्री थर्टी इंटू टू हंड्रेड ठीक है तो ये टू हंड्रेड और ये फोर से जाएगा ओके तो हम क्या करेंगे फोर इंटू वन इंटू वन पॉइंट वन जीरो इंटू फाइव सेवेंटी डिवाइडेड बाय पॉइंट नाइन जीरो इंटू थ्री थर्टी तो जब इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा फोर लीटर ओके तो वॉल्यूम हमारी कितनी आ जाएगी फोर और अगर ऑप्शन हम देखें तो ये फोर्थ ऑप्शन में क्लियरली दिया हुआ है तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ बाकी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो जाएंगे ओके थैंक यू क्लास सिक्स ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नट या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर